राजघाट पुलिस ने गुरुवार को चोरी के सामानों के साथ दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी मोहम्मद हमजा पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अहमद तथा अर्श आलम खां पुत्र जहांगीर अहमद के रूप में हुई। गिरफ्तार शातिर चोरों के पास से पुलिस ने 6 सेट मोबाइल, 1 टैबलेट व 27,000 रुपये नगद बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त राहगीरों से मोबाइल छीनती करके फरार हो जाते थे। राजघाट पुलिस ने अभियुक्तों को हावड़ बंधे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया। चोरी करेंगे क्या? जी इसमें की जो है ये बता रहा है इसमें क्या इसमें किया है सर के चोरी हुई थी। रायगंज के जयप्रकाश सिंह रहने वाले हैं, उनके यहाँ घर में चोरी हुई थी 4 तारीख को और ये पकड़े गए हैं दो, एक मोहम्मद हमजा एक अर्श असलम, दोनों के कब्जे से 6 मोबाइल 1 टैबलेट और 27,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। उन्होंने चोरी का मुकदमा लिखाया था जिसमें पूरी रिकवरी सुनिश्चित कर ली गई है। ये चोर हैं, इनका ये कहना है कि हम चलते फिरते लोगों के मोबाइल भी स्नैच कर लेते हैं, पॉकेट से निकाल लेते हैं, इस तरह का भी कारोबार करते हैं, लेकिन अभी तक ये पकड़े नहीं गए थे। इनके पास से पूरी रिकवरी हुई। दो ही हैं? नहीं, दो ही लोग हैं।